आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। इसी के साथ शुरू करते हैं हाउ टू स्टडी अब्रॉड आफ्टर 10th एंड 12th। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA, यूरोप या फिर कोई भी कंट्री हो, आज की वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप 10th क्लास में हो, जिसकी मदद से आप बाहर जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे ही आप 10th क्लास कंप्लीट करते हो तभी के तभी आप IELTS एंड TOEFL की तैयारी में लग जाओ। जितना जल्दी हो सके आप कोशिश करो, प्रिपरेशन अच्छे से करो उसकी। जैसे ही आप 11th क्लास में एंटर होने वाले हो, उस टाइम के दौरान आपको एग्ज़ाम देना है IELTS का या फिर TOEFL का। ये आपकी चॉइस है आपको कौन सा एग्जाम देना है। दोनों एग्जाम्स की मदद से आप बाहर जाने का सपना पूरा कर सकते हो। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा IELTS एग्जाम्स के बारे में। तो IELTS एग्जाम्स होता क्या है? IELTS एग्जाम पर्टिकुलरली इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, जिसकी मदद से आपका लेवल चेक होता है कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश लैंग्वेज की। तो मैं ये बताना चाहूंगा IELTS एग्जाम दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो मैं IELTS के बारे में बताना चाहूंगा कि IELTS में दो टाइप के IELTS एग्जाम होते हैं। एक तो होता है IELTS अकेडमिक और दूसरा होता है IELTS जनरल ट्रेनिंग। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? IELTS अकेडमिक उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो परस्यू करना चाहते हैं हायर एजुकेशन। तो फिर जनरल ट्रेनिंग क्या होता है? जनरल ट्रेनिंग उन लोगों के लिए है जो जॉब्स के लिए जा रहे हैं, जो इमिग्रेंट पर्पस के लिए जाते हैं, जो सेटल होने के लिए जाते हैं या फिर जॉब के लिए जाते हैं पर्टिकुलर, या फिर बिजनेस करने जाते हैं, तो उनको जनरल ट्रेनिंग टेस्ट देना होता है। जैसे मैं समझ रहा हूँ कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो आपको अकेडमिक टेस्ट देना होगा IELTS अकेडमिक, तो आपको IELTS अकेडमिक टेस्ट देना होगा। अब मैं IELTS में ये बताना चाहूँगा कि IELTS में दो टाइप के एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। एक तो होता है पेपर बेस्ड एग्ज़ाम और दूसरा होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। ये आपकी मर्जी है आपको कौन से टाइप का एग्ज़ाम देना है। पेपर बेस्ड भी दे सकते हो, कंप्यूटर बेस्ड भी दे सकते हो। दोनों में ड्यूरेशन सेम रहेगा, दोनों में फॉर्मेट सेम रहेगा, वही मॉड्यूल रहेंगे जो आपको पेपर बेस्ड में मिलते हैं वही आपको कंप्यूटर में मिलेंगे। अब आते हैं एवरेज स्कोर। एवरेज स्कोर क्या करना पड़ेगा आपको, ग्रेड क्या लेना पड़ेगा। एवरेज स्कोर ऑफ IELTS कितना है? तो मैं बताना चाहूंगा 6.5 ऑन एन एवरेज। जो ओवरऑल स्कोर होना चाहिए वो है 6.5। और जैसे ही मैं बताना चाहूंगा कि IELTS में चार टाइप के मॉड्यूल होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और फिर स्पीकिंग। इन सभी में आपको मिनिमम से मिनिमम 6 बैंड ज़रूर लेने होंगे, जिसकी मदद से आपको क्राइटेरिया मिल जाएगा, एक रिक्वायरमेंट जो फुलफ़िल करनी होती है वो फुलफ़िल करोगे। और कोशिश करना ओवरऑल आपका 6.5 बैंड होना चाहिए आपके IELTS एग्ज़ाम में। जैसे ही आपको मैंने बताया कि ये तो ज़रूरी ही ज़रूरी है आपके लिए। और ध्यान रखना 5.5 बैंड IELTS में एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी, तो ध्यान रखना। जैसे ही आपको स्कोर मिलता है, जैसे ही आपको रिजल्ट मिलता है, तो वो कितने टाइम के लिए वैलिडिटी होती है वो मैं बताऊंगा। अब 2 साल के लिए आपको टाइम मिलता है अप्लाई करने का, 24 मंथ्स आपको मिलते हैं जिस ड्यूरेशन में आप अप्लाई भी करोगे और अपनी वीज़ा के लिए फाइल भी लगाओगे, जिसकी मदद से आप बाहर जाने के लिए अपना सपना पूरा कर सकते हो। तो मैंने ये बातें जो कही हैं आपको ये बड़ी ध्यान से समझनी होगी, इन बातों को सही में सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैंने बिल्कुल रिसर्च करके बनाई है। तो अब चलते हैं पर्पस क्या होता है IELTS एग्ज़ाम का। पर्पस, मेन पर्पस जो होता है ना वो ये होता है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो चेक करनी होती है, वो क्यों करनी होती है, क्योंकि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो वहाँ पर नेटिव स्पीकर्स हैं इंग्लिश के, जितने भी लोग हैं वहाँ पर बोलने वाले वो इंग्लिश में बातें करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। तो आपको ज़रूरी हो जाता है ये समझना। उस रीज़न की वजह से एक फॉर्मेट बना दिया इन्होंने जिसमें आपको ज़रूरी हो जाता है ये टेस्ट क्लियर करना। इसको क्लियर करने के बाद आप बाहर का सपना पूरा कर सकते हो।
अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गो अब्रॉड एंड स्टडी। जैसे मैंने आपको बताया आयर्स एग्जाम के बारे में, वैसे ही मैं अब बताऊंगा टोफल एग्जाम के बारे में। जो आप अगर टोफल एग्जाम चूज करते हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा। टोफल एग्जाम दो टाइप के होते हैं, टोफल आईबीटी, टोफल पीबीटी। टोफल आईबीटी में क्या होता है, वो इंटरनेट बेस्ड टेस्ट होता है। इंटरनेट बेस्ड टेस्ट में आपको 4 घंटे मिलते हैं और पेपर बेस्ड टेस्ट में आपको 3 घंटे मिलते हैं। तो आपकी मर्जी है आपको कौन सा टेस्ट देना है। ओवरऑल जो डिफरेंस निकल के आता है वो है टाइम ड्यूरेशन का, अदरवाइज फॉर्मेट वही मिलेगा आपको और जो भी मॉड्यूल्स हैं, 4 मॉड्यूल्स हैं, वही मिलेंगे आपको, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अब मैं बताऊंगा आपको टोफल स्कोर के बारे में, टोफल स्कोर कितना मैक्सिमम होता है और कितना मिनिमम होता है। अगर आईबीटी की बात करें तो टोफल स्कोर आपको मैक्सिमम जो मिलता है 120 आप स्कोर कर सकते हो, लेकिन अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूं तो वो 85-95 के बीच में पड़ता है। तो जैसे ही आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज स्कोर पड़ता है 90। अगर आप 90 लाते हो तो वेल एंड गुड, अगर आपके थोड़े से कम आते हैं हो सकता है आपको एडमिशन मिल जाए, लेकिन कोशिश करना 90s एंड अबव आपके स्कोर हो आईबीटी में। और जैसे कि आप जानते हो पेपर बेस्ड टेस्ट में स्कोर लेवल डिफरेंट होता है, डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, तो उसमें मैं बताना चाहूँगा 310 से लेकर 677 तक आपका स्कोर वेरी करता है, जिसमें आपको मिनिमम से मिनिमम स्कोर 550 तक लेना होता है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 50% से अबव अगर आपके आते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। अब मैं आईएल्ट्स एंड टोफल के फी स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूंगा। आईएल्ट्स में लगभग आपको 14,700 रुपीज चार्जेस लगेंगे और टोफल में आपको 14,100 समथिंग चार्जेस लगेंगे। तो आप समझ जाओ ये लगभग $200 के अराउंड आपका खर्चा होगा। तो बी प्रिपेयर्ड वेल बिफोर गिविंग द एग्ज़ाम, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर करो पहले और फिर एक बार में ही आप क्लियर कर दो उस एग्ज़ाम को। तो ये मैंने जो क्राइटेरिया बताए हैं ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल समझने लायक है। अगर आप इनको फॉलो करते हो, अच्छे से समझते हो, तो आपको बाहर जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अब मैं बताना चाहूँगा आईएल्ट्स और टोफल में कौन सा टेस्ट हार्ड है और कौन सा टेस्ट ईजी है। आईएल्ट्स इज कंसिडर्ड मोर ईजियर टेस्ट देन टोफल एग्जाम बेस्ड ऑन द टेस्ट रिव्यूअर्स। जितने भी बच्चे हैं आप में से जिन्होंने दोनों टेस्ट को अप्लाई किया है, अगर उनकी बात माने तो आईएल्ट्स एग्जाम इज मच मोर ईजियर देन द टोफल एग्जाम। जैसे ही आपको 12th क्लास में स्कोर मिल जाता है, आपका रिजल्ट मिल जाता है, कोशिश करना आपको 11th एंड 12th क्लास में अच्छे ग्रेड मिले और अच्छे से आप पढ़ाई करना। जो एजुकेशन लेवल है और यूनिवर्सिटी लेवल है वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे ही आप अच्छे ग्रेड लोगे और आपका रिजल्ट आता है 12th क्लास में, वैसे ही आपको फाइंड आउट करना है यूनिवर्सिटीज़ को, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हो बाहर जाने के लिए। जैसे ही आप अप्लाई करते हो, आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता तो आप किसी की मदद ले सकते हो या फिर आप कंसल्टिंग ऑफिस में जाकर पूछ सकते हो। बहुत जगह ऐसी हैं जैसे न्यू दिल्ली, मुंबई या फिर बहुत सारे ऐसे शहर हैं आज की डेट में जो अच्छे से अच्छे कंसल्टेंट बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए और आपको एक राइट डायरेक्शन देने के लिए तैयार हैं। तो आपको मैं लास्ट एडवाइस देना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा कोशिश करें, अगर आप खुद अप्लाई करें, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा में अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप खुद अप्लाई करने का सोचे तो आप इजीली कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है, अप्लाई करना है, पर्टिकुलर क्राइटेरिया और कोर्स को चूज़ करना है और एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको सबमिट करनी है। उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं वो आपसे पूछेंगे और आपको सबमिट करने होंगे ऑनलाइन। जैसे ही आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज आती रहेगी वैसे वैसे आप करते रहोगे।
अगर आपको कुछ अंदाज़ा नहीं है या फिर कंफ्यूजन है तो आप कंसल्टेंट की मदद ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो या फिर किसी की भी हेल्प ले सकते हो। आपके आसपास कोई ना कोई होगा जिसको पता होगा इसके बारे में। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। होपफुली आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक इट।